Hey guys, welcome to my YouTube channel. Myself Akash Alainsa. Hey guys, how are you? और आज व्लॉग मैं बना रहा हूँ, तो आपको दिखा देते हैं हमारे साथ। इनको तो आप पहचानते हैं, इनके चैनल के बारे में सबको मालूम है यार। यहाँ पे मतलब भाई हमारे बहुत फेमस सदस्य हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा ही है, मतलब ऐसा हो रहा है, ऑन प्रोसेस। और ये हमारे साथ है फाइक भाई। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ, वो तो करना ही है, वो तो मतलब सबको करना है यार। अगर आप देख रहे हो रेगुलरली तो करना है। और यहाँ है हमारे रूप ज्योति भाई। और पहले ये रॉकिंग ऐसे ही इंसान रॉकिंग है, तो मतलब उनका जो मतलब मुद्रा बनता है ना हाथ का, वो पहले ये बनता है। तो अब हम चल रहे हैं ऑर्चर्ड। हमको ऑर्टिकल्चर का मतलब प्रैक्टिकल करना है। तो पिछले दिन भी गए थे, पिछले फ्राइडे भी हम लोग गए थे, तो वो मेरा पहला क्लास था। हमारे पीछे से आ रहे हैं प्रभास, आप देख सकते हैं इनको। अरे आओ यार। तुम भाई बंगाल से आए हमारे साथ व्लॉग में जुड़ने के लिए, तो तुमको तो लेना। और हाँ, ये भी बंगाल से है, मैं भी बंगाल से हूँ। अगर कोई बंगाली ये आपका वीडियो देख रहे हो, आकाश का वीडियो देख रहे हो, तो प्रथमे ही बोले दी जो तुम्हारा सबाई सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो एवं अनेक शेयर करो ये वीडियोटाके। कारण একটা শেয়ার একটা মানুষের ইন্সপিরেশনটাকে অনেকটা বদলে দেয়, অনেকটা হাই করে দেয়। হম চল রে হ্যাঁ হর্টিকালচার ডিপার্টমেন্ট কি ওর ये हम आ गए अपने एक्सपेरिमेंटल फार्म में, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। और वहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ऐसा टायर कर फिक्स है। अब वो ऐसा क्यों है हमको नहीं पता, पूछना पड़ेगा। हाँ, ये वैसे देख सपोर्ट के लिए दिया गया है, लगता है देख इसमें प्लांट बंधा हुआ है। हाँ, लेकिन ऊपर में टायर क्यों सर से पूछेंगे। ये देखिए, ये अपना नर्सरी है मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स का। अच्छा, अभी परसों ही तो पढ़ रहे थे मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स। वो है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। थ्योरी का क्लास कर रहे थे हम लोग, लेकिन ये वाला प्रैक्टिकल किए हुए हैं। हम एक बार आए थे यहाँ। अच्छा बताओ, देखो वो जो किया उसको क्या बोलते हैं, मैं बताऊँ? हाँ, वो क्या मंचिंग कुछ मल्चिंग, ना? मल्चिंग। अच्छा, मल्चिंग मल्चिंग ऐसे मतलब रिफ्लेक्टिव शीट से कवर कर देते हैं। तो ये मल्चिंग में क्या होता है, इसको एक रिफ्लेक्टिव शीट से कवर कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या है जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है। नहीं, रिफ्लेक्टिव शीट से एक्चुअली क्यों कवर किया जाता है? रिफ्लेक्टिव शीट से कवर किया जाता है ताकि मतलब हीट ज्यादा ना हो, हीट कंटेंट सॉइल का ज्यादा ना हो जाए। हाँ, सॉइल का हीट कंटेंट ज्यादा ना हो जाए, और जो जैसे जो सॉइल इरोजन है वो सब चीज मेंटेन रहे, मतलब नहीं ज्यादा हो, और जो भी न्यूट्रिएंट्स फ्लो है मतलब वहाँ पे जमे रहे, मतलब न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा इधर उधर ना हो, ऐसे कुछ रहता है। हाँ, ऐसा कुछ रहता है। हम बीच बीच में बताते रहेंगे, ज़्यादा बोल देंगे तो बोरिंग लगने शुरू हो जाएगा। हाँ, अभी हम आ गए हैं क्लास। हाँ, तो चलते हैं, बाय बाय। अब नहीं काटूंगा, अब डालूंगा इसको मैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग का क्या चीज़ का प्रैक्टिकल, हॉर्टिकल्चर का थ्योरी वाला प्रैक्टिकल हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं फील्ड में, हॉर्टिकल्चर के फील्ड में देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। सॉसेज ट्री, बड़ी इमली, बड़ी इमली। ओ अरे, ये इमली है, पागल है क्या? मारूंगा सब पकड़ के, झूठ बोलता है शायद। नहीं, पता नहीं क्या। अपना जीआर पीछे छूट गया है। रुक रुक बोल रहा है। उसके बाद हम लोग मतलब प्रैक्टिस कर लेंगे। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं श्रमिक, इसको ये सबको क्या बोलेंगे जो ये ऐसे करके है? ये शेड नेट बोलेंगे। शेड नेट ना बोल सकता है। सही बोल रहा। तो सब कुछ करना पड़ रहा है तुम लोगों को। साफ सफाई कर रही थी, साफ सफाई कर रही थी। हाँ, मुझे ना पूरा काम वाली बाय लग रही थी। ये देख, अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये अपना नर्सरी सेक्शन, AICRP ऑन मैप। ये अभी हम पढ़ के आए हैं, पता है? यही रेस्ट बेड है, रेस्ट बेड है। हाँ, ये देखो, ये रेस्ट बेड है। मदर ब्लॉक ऑफ पाइपर लॉन्गनम। दोस्तों आज हम लोग यही पढ़ रहे थे कि मदर ब्लॉक है। ट्रैक्टर तेजोश्रीता भी चलाएगी। चलाना आता है ना तुमको? नहीं आता। हाँ, सीख लेना। फिर हम लोग इसी में जाएंगे, ब्लॉग बनाएंगे हम लोग। हेलो भैया, ये देखिए, ये तो हो रहा है एडवांस फार्मिंग। वाह यार, ऐसा खेत पहली बार देखे हम, है ना?
ये देख, ये है, ये है, ये एक्चुअल में तुम बोल सकते हो, देखो ये रेस्ट बेड है, ये सनकिन बेड है, ये सनकिन बेड है। हाँ, ये मल्चिंग का एग्जांपल हुआ, रेस्ट बेड प्लस मल्चिंग का एग्जांपल है ये, और ये अपना सनकिन बेड। और यहाँ हाथ मत लगाना, ये प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड एरिया है। छोड़ दे, 10 मार्क्स कट जाएगा फिर चार्ज। देखो दोस्तों, वो सन, ये रेस्ट बेड, ये सनकेन बेड, और वो इरिगेशन के लिए स्प्रिंकलर है वो बीच में वहाँ पे। और यहाँ पे सोमिक बैठ के नाश्ता कर रहा था कल रात को। तुम देखा, मैं तो रूम पे ही था, रूम पे ही था। ये देखो, ये इरिगेशन के लिए पूरा पाइप ऐसा जा रहा है। देखो ये सनकेन बेड, यहाँ पे वो रेनफेड जैसा कंडीशन बना रहे हैं, वाटर लॉगिंग जैसा, पता नहीं क्यों। This is sword stem of banana. Yes. दोस्तों, he is one of my good friend. चेहरा दिखाओ अपना। दोस्तों, इसका नाम है श्यामल दास, एकदम फुल चेहरा छुपाते हुए। नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा। दोस्तों, श्यामल दास। बोलो ब्रदर। हाँ, ठीक है। नहीं, तुम मत बोलो। खींच लिया हूँ तो दोस्तों, ये जो मैंने अभी आपको फ्लावर दिखाया, ये है एप्पल का फ्लावर। तो एप्पल का फ्लावर, लेकिन एप्पल यहाँ पे होता नहीं, क्योंकि हम लोग जिस रीजन में है वो है अपना सब ट्रॉपिकल रीजन, लेकिन जो एप्पल होता है वो होता है टेम्परेट रीजन में। ऐसे हंस क्यों रहे भाई तुम लोग? बोलना पड़ता है, करना पड़ता है ऐसा। करो करो करो। हाँ, तो लेकिन सर ने भी बताया कि जो नॉर्मल एप्पल होता है उसको 900 आवर्स ऑफ चिलिंग टाइम चाहिए। ऐसे मतलब नॉट दैट टाइप ऑफ चिल, लाइक जस्ट डू समथिंग एंड चिल, इट्स चिलिंग मीन्स कोल्ड, ठीक है। तो तो ये जो न्यू वैरायटी डेवलप हुई है, रिलीज हुई है, इसको 300 आवर्स चाहिए चिलिंग टाइम। तो नाम क्या है, क्या अनन HRNM999? क्या अनन HRNM999? ठीक है, अभी ये ब्लॉग के थ्रू ही मैं इसको याद करूंगा, अभी तो याद नहीं होगा। ऐसे बार बार देखूंगा, आप भी बार बार देखिएगा, मेरा वॉच आवर्स बढ़ाइएगा, ठीक है। तो ये फूल अभी हम लोग को सर बोले कि सर लोगों को अभी पहले बार ही देखने को मिला है। हम बहुत किस्मत वाले हैं, हम बहुत किस्मत वाले कि हम लोग को ऐसे ये देखने को मिला, ठीक है। तो आप भी किस्मत वाले हैं। दोस्तों, ये देखिए, ये जो अपना ट्री है, ये मैंगो ट्री है, एकदम फूल से भर गया है। कच्चा बादाम का ट्री है। अब तुम शूट हो गए। सर, सकर स्लीव, सकर स्लीव, ये क्या है? मैंने अभी बताया कि दो टाइप के वैरायटी होते हैं पाइनएप्पल के, एक तो क्वीन होता है, एक तो क्यू होता है। क्वीन हम लोग खाते हैं, जिसमें ऊपर में थॉर्न्स होते हैं, तो उससे हम लोग पहचान कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मतलब थॉर्न्स होते हैं, उसमें फाइबर ज्यादा होता है। बस अभी ये भी डाल दूंगा ब्लॉग। डाल दे। और एक तो जो क्यू वैरायटी होता है, उसमें फाइबर कम होता है, और उसके जो लीव्स ऊपर में जो रहते हैं, उसमें थॉर्न नहीं रहते हैं। तो क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग प्रोसेसिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं, क्योंकि उसमें फाइबर्स कम रहते हैं, तो प्रोसेसिंग में चीजें कम आएंगी। यो यो। तो समझ गए दोस्तों, यू कैन रिवाइज इट फ्रॉम माई वीडियोज ऑल्सो। ये जो लीव्स आप देख रहे हैं, ये ब्रिंजल के लीव्स हैं। एक है ट्री ब्रिंजल बोले ना सर? हाँ, एक प्लांट ट्री ब्रिंजल, एक प्लांट। नहीं यार, क्या हो कमेंट ना हो, बिस्से सब्जी बनाए थे कौन है यहाँ पर सुबह लूँ जब तुम खाए के लिए कम। दोस्तों, दिस इज द वाटर सक्कर, क्योंकि ये अभी बहुत छोटा ही है, लेकिन तब भी इसके लीव्स बहुत बड़े हो गए बनाना प्लांट के, तो इसलिए इसको वाटर सक्कर बोलेंगे। ये वाला वाटर सकर है, ये थोड़ा बड़ा हो गया है, और बाकी उस साइड एक और वाटर सकर था छोटा सा। इलॉन्गेटेड पपाया फ्रूट,
ये हर्माफ्रोडाइट वैरायटी, मतलब जब हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स फर्टिलाइज करते हैं तो उसमें से तो उसमें से ये फ्रूट डेवलप होता है एलोंगेटेड टाइप। और ये जो पपाया का जो फ्रूट है, मतलब प्लांट है, नहीं क्या पपाया फ्रूट ही होता है ना? हाँ, पपाया का जो प्लांट है ये फीमेल अलोन फीमेल है, मतलब पपाया फ्रूट होता है ना? हाँ हाँ फ्रूट होता है। हाँ तो इसमें क्या है, इसमें जो आपको पहले मैं आपको दिखाई एलोंगेटेड वन, अब ये है क्या ओवल शेप के या फिर राउंड वन, तो इसमें क्या होता है सर ने बताया कि इसमें जब फीमेल प्लांट है ये तो प्योर फीमेल है, तो इसमें जब फ्रूट ग्रो होता है तो ये राउंड शेप में होता है और ओवल शेप में होता है। और उधर जो मैंने आपको दिखाया ये क्या हर्माफ्रोडाइट प्लांट है? ये हर्माफ्रोडाइट नहीं है, ये हर्माफ्रोडाइट नहीं है और वो हर्माफ्रोडाइट है। हाँ वही बोला। तो दोस्तों समझ गए आप लोग? दोस्तों ये अपना नॉर्मल ब्रिंजल एग्प्लांट ट्री, बैगन भी बोलते हैं, भाटा भी बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, मेरे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए। तो ये देखिए ये नॉर्मल इसका ये प्लांट है और ये ब्रिंजल का ट्री, मतलब ट्री ब्रिंजल है ये, ट्री वैरायटी है। तो ये देखिए यहाँ पे ये उग रहा है धीरे धीरे, सेल्विया नाम क्या था? हाँ सेल्विया, ये क्या है नेस्टर्टियम, ये अपना गार्डन पी आइट मेंडल अंकल यहीं आए थे लगता है। मस्टर्ड ग्रीन सो मुंडो जी, ओ यो खम्मा गड़ी, खम्मा गड़ी हुकुम घड़ी खम्मा खड़ी खम्मा। अब हम लोग अपना क्या चीज का हॉर्टिकल्चर का प्रैक्टिकल करके आ चुके हैं, अब कैंपस के अंदर में हम लोग, और अभी जाएंगे क्लास के लिए। कौन सा क्लास है अभी अंकिता? सॉइल, सॉइल 113, सॉइल 113।